अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। फिल्म एक्टर और साबिका में बिग बॉस में काम कर चुके एजाज खान ने MIM को वोट डालने की है अपील। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इसलिए मैंने सोचा कि ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करूं और ना मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों को और हम जो इंसाफ पसंद हिंदू है, दलित, हम लोगों पे जो जुल्म हुआ है, मैं सोचता हूं कि मैं वंचित अगाड़ी और MIM को सपोर्ट कर रहा हूं और खुल के कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो संजय निरुपम, उनका भी एक वीडियो है, मैं बताऊंगा तुम्हें कि राम मंदिर तो बनेगा, मुसलमानों के खिलाफ इतनी आग उगली है उन्होंने। संजय जी, ये जनता भूल गई है, लेकिन मैं इनको याद दिलाऊंगा। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं फ्रीडम फाइटर हूं और मैं लड़ूंगा 2019 के इलेक्शन में महाराष्ट्र से MIM और वंचित अगाड़ी को जितनी मेरी हेल्प चाहिए, जितनी मेरी मदद चाहिए, मैं दूंगा। और उस तरह आप लोगों को भी देनी है। अगर इस बार नहीं दिया और इस बार नहीं किया, फिर मत कहना, फिर रोते रहोगे। मैंने फिर से कहा है और फिर कहूंगा कि सियासत मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर यह नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, उस कातिल के हाथ में मेरा वतन मुझे अच्छा नहीं लगता। और कांग्रेस की एक बहुत बड़ी बात बता दूं मैं, एहसान जाफरी, अहमदाबाद के एहसान जाफरी, जब वहां पे जुल्म हो रहा था, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया, उन्हें कांग्रेस ने आज तक जकिया जाफरी को इंसाफ नहीं दिलाया। वो आज तक इंसाफ के लिए भीख मांग रही है, रो रही है, लेकिन उनको कांग्रेस ने इंसाफ नहीं दिलाया। तो जो अपने ही लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाए, वो हमें क्या इंसाफ दिलाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें वंचित अगाड़ी और MIM को सपोर्ट करना है, तभी दलित और मुसलमान खुल के ऊपर आ पाएंगे, तभी हमें हमारे हक मिलेंगे, तभी हम इनके साथ खड़े होके एक मंच पे नौकरियां पा पाएंगे, हम इनसे लड़ पाएंगे। मेरे यारों, मेरे प्यारों, जाग जाओ, अल्लाह के वास्ते जाग जाओ। अब टाइम आ गया है इनको दिखाने का। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। आजिक किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए, डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।